सैम्पलिंग सर में हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट शो दैट द सैम्पल मीन स्मॉल वाई बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर कैपिटल वाई बार द पॉपुलेशन मीन्स एंड डिराइव इट्स वेरियंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले हमने पॉपुलेशन मीन लिखा है, ठीक है। कैपिटल वाई बार इक्वल टू वन बाय कैपिटल एन समेशन अल्फा वन टू एन वाई अल्फा, ठीक है। वैसे हमने सैंपल मीन लिखा है। अभी देखिए, हमें अगर अनबायस एस्टिमेटर निकालना है तो हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन में देखिए, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वन बाय स्मॉल एन समेशन आई वन टू एन, क्योंकि वाई बार है, वाई बार इक्वल टू ये है, इसके ऊपर हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी इसके ऊपर अगर हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फा यूनिट इज सिलेक्टेड एट आई ड्रॉ में अल्फा यूनिट सिलेक्ट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी देखिए, हमें एक चीज पता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सभी यूनिट के सिलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 बाई एन होता है, ठीक है। वो विदाउट रिप्लेसमेंट भी 1 बाई एन होता है और विथ रिप्लेसमेंट भी 1 बाई एन होता है। तो यहाँ पे 1 बाई एन हमें कैपिटल एन मिला और इसका समेशन है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन मीन हो गया। और देखिए, यहाँ पर स्मॉल एन है और यहाँ पर समेशन है, पर यहाँ पर तो कहीं पर आई नहीं है। तो ये जो है वो आई कैपिटल एन बाय कैपिटल स्मॉल एन बाय स्मॉल एन हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन मिल गया, ठीक है। सो द सैम्पल मीन इज अनबायस एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना था, वेरियंस निकालना है। तो वेरियंस ऑफ स्मॉल वाई बार, अभी देखिए स्मॉल वाई बार का अगर वेरियंस करेंगे तो क्या होगा, वन बाय एन स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर और होगा समेशन वन टू स्मॉल एन वेरियंस वाई आर प्लस समेशन आई नॉट इक्वल टू जे डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे कोवेरियंस वाई आई वाई जे, ठीक है। अभी देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर वन दे दिए, ठीक है। अभी हम पार्ट बाई पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा सॉल्व करें, पहले हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर वेरियंस होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम प्रोबेबिलिटी है जो हमने यहाँ पे आपको पहले आपको बताया हमने। तो यहाँ पे इसका हमें सिग्मा स्क्वायर मिल गया, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है। अभी देखिए सेकेंड पार्ट, जो कोवेरियंस पार्ट है, कोवेरियंस पार्ट का हमने यहाँ पे कोवेरियंस पार्ट को डिफाइन किया है। अभी देखिए, अगर अल्फा और अल्फा डैश सेम है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आई अल्फा और प्रोबेबिलिटी जे अल्फा, अल्फा यहाँ पे होगा अल्फा डैश होगा, यहाँ पे अल्फा डैश और यहाँ पे अल्फा होगा। मतलब क्या है कि पहले का तो मतलब आपको पता है कि जो अल्फा यूनिट है वो आई ड्रॉ में सिलेक्ट हो रहा है। सेकेंड का मतलब है कि जो अल्फा डैश यूनिट है वो जे यूनिट में ड्रॉ हो रहा है, गिवन दैट अल्फा यूनिट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। तो देखिए, अगर दोनों सेम है तो फर्स्ट वर्क का तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, पर सेकंड का प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगा। पर देखिए, अगर वो सेम नहीं हुआ तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी का टाइम वन बाई एन है और सेकेंड टाइम में क्या हुआ, पॉपुलेशन का जो साइज है वो एक कम हो गया क्योंकि एक जो यूनिट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें तो क्या मिल गया, हमें इसका प्रोबेबिलिटी मिल गया 1 बाय कैपिटल एन इंटू 1 बाय कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए, ये जो दो नंबर है यहां से हमें क्या मिल गया, इस चीज का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस चीज का प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया और ये जो है वो रखा हुआ है। अभी देखिए, यहाँ पे असल में ना एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे देखिए समेशन ए आई स्क्वायर, ठीक है, समेशन इंक्लूड स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे समेशन ए आई स्क्वायर माइनस डबल समेशन ए आई एजे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे जो है हमारा डबल समेशन का पार्ट दिया हुआ है, तो हमने होल समेशन माइनस समेशन बाहर है स्क्वायर किया हमने। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर सम करेंगे तो ये चीज़ जो है वो जीरो हो जाएगा। अभी ये चीज़ बचा, ये वाला चीज़ का हम पहले से निकाल के रखे, देखिए यहाँ पे ये जो होता है वन बाई एन ये इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे तो एन नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस, यहाँ पे जो तो माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ माइनस एन सिग्मा स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे एन इंटू एन माइनस वन, तो एन और एन कर गया तो हमें क्या मिला, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय वन बाई एन, ठीक है।
तो देखिए इसका वैल्यू भी मिल गया और इसका वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अभी हम देखिए दोनों में वैल्यू बैठाए हैं, यहाँ पे एक समेशन था इसीलिए यहाँ पे एन बैठा, यहाँ पे दो समेशन था आई नॉट इक्वल टू जे, तो यहाँ इसीलिए स्मॉल एन इंटू एन माइनस वन बैठा। अभी हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया और हमें जो रिक्वायर था वो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। देखिए हम दोबारा और एक बार आपको समझा देते हैं। पहले हमने यहाँ पे पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को डिवाइड किया, इसके बाद अगर हमें अनबायस एस्टीमेट लेना तो हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ को समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई अल्फा, आई अल्फा मतलब अल्फा यूनिट इज सिलेक्टेड एट आई ड्रॉ, ठीक है। तो वो वन बाई एन होगा, तो यहाँ पे हमें अनबायस मिल गया। इसके बाद हमें वेरियंस ऑफ वाई बार, वाई बार का जो वेरियंस निकाले इसमें दो पार्ट है, एक है वेरियंस पार्ट वेरियंस ऑफ वाई आई और को वेरियंस ऑफ वाई आई वाई जे, हम दोनों को सेपरेटली हम कैलकुलेट किए और हमारा सॉल्यूशन मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में और वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट से लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट लेकर की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे पास सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।